अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। कल बालापुर PSC की तरफ से व्हीकल चेकिंग किया जा रहा था एर्राकुंटा गैस पंप के पास, और फिर परसों जो है GGR फंक्शनल के पास। तो बालापुर पुलिस की तरफ से जो व्हीकल चेकिंग किया जा रहा है उसके दस्तावेज और RC या लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है, हेलमेट, इसके लिए पूछा जा रहा था। तो मैं बालापुर CA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे स्टाफ का, जैसा ऐसे ही यूसुफ साहब है और भी कांस्टेबल जो जितने भी जमदार लोग थे, क्योंकि चेकिंग जो कर रहे हैं, चेकिंग करने का मकसद क्या है कि आप नंबर से छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या। मगर मैं ठहर के वहाँ मौजूद हूँ, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो गाड़ी का नंबर नहीं है वो गाड़ी को आप सीज कर रहे हैं, हेलमेट नहीं है समझा रहे हैं, समझा के छोड़ दे रहे हैं, रिन्यूअल नहीं है समझा रहे हैं। तो चालानत मारना ऐसा करना नहीं है, पुलिस अपने लिए है। और जो नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रिपल ट्रिपल डबल डबल आ रहे हैं गाड़ियों पे और दूर से देख के कट मार के भाग जा रहे हैं, तो इससे आपकी जान जाने का खतरा है। तो मैं नौजवान बच्चों को ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको रोक रहे तो आप रुकिए, आपके कागजात बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बोलिए। क्या होता जैसे जैसा चारण होता, और एक जैसा डेंगू ड्रॉप के टाइम पे अक्सर बहुत केसेस बुक हो रहे हैं, बहुत सारा चल रहा है डेंगू ड्रॉप पे भी, उस पर भी रोक लगाना चाहिए आवाम। भाई आपको पीना है घर पे ले आइए पीए, रोडों पे क्या है ये। तो ये डेंगू ड्रॉप को पकड़ने का मकसद क्या है, आप गाड़ी पे अगर जा रहे हैं, गाड़ी आपकी कहीं चली गई या बड़ी गाड़ी आए तो आपकी जान जाती, किसी का कुछ नहीं आता। तो पुलिस जो काम कर रही है आवाम के फायदे के लिए, आवाम के अच्छे के लिए। और एक जैसा चबूतरा मशीन जो निकाले हैं, जैसा डबलपुरा PS है, छतरी नाका है, शाली बंडा है, फलकनुमा है, बहुत सारे PSO के हदूद में जो चबूतरा मशीन चल रही, जैसा अब्दुल खादर जिलानी है छतरी नाका SHO, हमारे अमजद साहब है भवीनगर PS, उससे क्या हो रहा, एवरेज करने से क्राइम में इजाफा नहीं कम हो रहा, तो ये इसमें इजाफा हुआ है। मैं सिटी पुलिस सीएम साहब को सलाम करता हूँ जो आप कंट्रोल कर रहे हैं, और भी अच्छा करना चाहिए। और मुबारकबाद देता हूँ मैं अजनी कुमार साहब को जो उनको हाल ही दिन में DGP का पोस्ट मिला है, तो अच्छे ऑफिसर है वो भी, और वाकई क्राइम को कंट्रोल कर सकते। और जैसा बालापुर PS का जैसा लॉकडाउन में हो या कैसा भी, जैसा भास्कर साहब जो काम करते हैं हम उनकी शिकायत करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ के जितने भी बच्चे लोग हैं, ये नौजवान हैं, बड़े हैं, मैं उनको अपील कर रहा हूँ कि मेरे भाई पुलिस अगर रुकाती तो रुकिए, आप रुकिए, आप हेलमेट नहीं है, मैं घर पर भूल गया था या क्या है, रिक्वेस्ट कर लीजिए, ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी गाड़ी PS को वही ले आ रहे हैं जो नंबर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। तो मैं सारी पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और पहाड़ी शरीफ SHO से भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी जगह जगह पर चालान करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा क्या नहीं। चालान बोलो तो मैं हर किसी को नहीं, नंबर से छेड़छाड़ कर रहे हैं इसको, और ट्रिपल राइडिंग, क्योंकि अक्सर हम भी रोड पर देखते हैं कि ऐसा गाड़ियाँ भगा रहे हैं जैसा कि कोई समझ में नहीं आ रहा। और माँ बाप भी ये है, रात में बच्चे 11-12 बजे निकले तो कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी की चाबी ले लो, आप गाड़ी दे लो, उनको जाते कहीं भी बैठ के आ जाते, एक्सीडेंट का तो कुछ सवाल ही नहीं होता। और पुलिस क्या काम कर रही, जब चबूतरा मशीन में पकड़ ली तो उनकी काउंसलिंग कर रही कि इसी रात को क्या कर रहे हैं, भाई हम चाय पीने जा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, काउंसलिंग कर रही, उनको छोड़ दे रही। और काउंसलिंग कब तक करेंगे, 3 बार, उसके बाद केस बुक हो जाएंगे आपके ऊपर, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो अदबन मैं गुजारिश कर रहा हूँ आवाम से कि भाई पुलिस का साथ दीजिए, पुलिस को कॉपरेट के लिए, जैसा कि फ्रेंडली पुलिस बोलते हैं, फ्रेंडली पुलिस है कई को है। CVANAND साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जितने भी ऑफिसर है अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आवाम की थोड़ी बहुत गलती है, आवाम इसको दुरुस्त करना चाहिए। पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, पुलिस का मतलब रक्षा,
आपके माल जान हर चीज़ की रक्षा करना है। तो इसलिए आप लोग जब भी शकीन होती तो आप रुकिए, रुक के दस्तावेज बताइए, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चलो नहीं है तो चालान क्या होगा आपको, 1,500 2,000। अगर आप पलटा देखो तो अगर बड़ी गाड़ी में आए जान चले जाएगी तो जब क्या होगा। और फिर एक बार माँ बाप से अपील कर रहा हूँ कि 11-12 बजे के बाद बच्चों को मत बाहर भिजाइए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं बोल रहे हैं, उनको ऑटो के पैसे दे दिए, जाइए किराया लेके ऑटो में जाओ, बोलो गाड़ी मत दो उनको। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।